ये दूध वाला बगिया है, जिसे हम आम शब्दों में चावल का पीठा भी बोलते हैं। इसके लिए मैंने चावल आटा लिया है, आधा केजी, जिसमें थोड़ा सा मैंने निकाल के रखा है। और ये मेवा हो गया खोया, और वो उसमें मैंने क्रश किया है नारियल, किशमिश, काजू, बादाम, और थोड़ा सा मैंने काट के भी रखा है ऊपर से डालने के लिए। ये आधे किलो चावल आटा में 2 किलो दूध लिया है, जिसको उबाल के मैंने छोड़ दी हूँ अभी। और ये चावल आटा गूंथने के लिए गर्म पानी मैंने की हूँ। अब इसको डाल के पहले चावल आटा को तैयार करूँगी गूंथ के, उसके बाद फिर बनाया जाएगा। रही हूँ मैं पानी हल्का हल्का डाल डाल के, क्योंकि थोड़ा पानी गर्म है। चावल का आटा गूँथ लिया है गर्म पानी डाल के, और ये देखिए आपके सामने तैयार है और अभी बनाया जाएगा, जिसको हमारे मिथिला में बगिया कहते हैं और अदरवाइज अदर सिटी में चावल का पीठा कहा जाता है। इसको मैं से बनाने के लिए छोटे छोटे लोई पहले कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा खोया मैंने डाल दिया, इसको मैंने फिल कर दिया, और फिर बगिया के शेप में ऐसे ऐसे किया, और बस ऐसे करना है थोड़ा सा इसको अच्छे से शेप में। ये देखिए, अब सभी को मैं इसी तरह इसमें मेवा डाल के इसी शेप में बना के फिर डालेंगे उसमें। तो हम लोग को बनाने में अभी टाइम लग रहा है, इसलिए बीच में हम लोग ने कॉफ़ी बना लिया, होममेड स्टारबर्ग स्टाइल में। और ये कॉफ़ी देखिए मस्त है, आप लोग भी ट्राई करिए। अगले वीडियो में इसका भी बनाने का आपको तरीका बताएंगे। ये हमने बना लिया है, वो जितना मैंने आटा गूंथ के आपको दिखाई थी, ये बना के भर के इसमें अब दूध में डाल रही हूँ। देख रहे हैं दूध उबल रहा है, ऐसे करके आप सारा डाल दीजिए। अब इसको इसमें मैं सारा डाल रही हूँ, फिर उसके बाद ये कम आंच पे, मध्यम आंच पे आप आधे घंटे पकने दीजिए, फिर उसके बाद मैं दिखलाती हूँ आपको। तो मैंने बर्तन चेंज कर दिया है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया था। ये अब होने वाला है, देखिए पूरे गाढ़ा हो गया है दूध, और ये पक भी गया है, लगभग 15-20 मिनट से पक रहा है। और बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए। अब मैं चीनी डालूँगी, आप अपने हिसाब से जितना बनाएंगे उस हिसाब से चीनी डाल दीजिए। मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए। तो इसमें जितना मैंने मेवा किया था, पंचमेवा का, वो डाल रही हूँ। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया है, और लगभग लगभग आधे घंटे बना है इसमें, कम फ्लेम पे अब बना सकती हूँ। और मेरा ये कंप्लीट है बगिया माने पिट्ठा, और ये अब मैं निकाल रही हूँ। अब ये मेरा बन के तैयार है, और आप ये टेस्ट कर सकते हैं, और देखिए कितना अच्छा बन रहा है, लगता है जैसे खोया ही हो। देखिए वहाँ सबके ई बगिया, हमू बनेनाइ सीख रहल छी और देखा रहल छी, और हम काफ़ी ज़्यादा बनेलहुँ हैं। बताएब केहन लागल से, धन्यवाद।